ये टी शर्ट ईशान सर पे कैसी लगेगी? सभी तुम्हें नहीं लगता मैं इसमें टीनेज बॉय लग रहा हूँ? अपने कॉलेज टाइम पे आप भी ऐसे ही दिखते होंगे ना, एकदम क्यूट और फंकी से। ये अच्छी है, एकदम डिसेंट सी है और थोड़ी प्लेन भी अच्छी लगेगी ना। तुम ये शर्ट मुझे गिफ्ट करना चाहती हो या राव साहब को? Excuse me, ma'am. लगता है आप पहली बार कोई शर्ट सेलेक्ट कर रहे हैं अपने हस्बैंड के लिए। हाँ, वो पहली बार ही उनके लिए कोई गिफ्ट ले रही हूँ। तो कैसे हैं आपके हस्बैंड? बहुत अच्छे हैं। मैम, मेरा मतलब है कि दिखते कैसे हैं, क्या टेस्ट है उनका, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। सॉरी, वो ना बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, कॉलेज के डायरेक्टर है और प्रोफेसर भी है, लेकिन बोरिंग टाइप डायरेक्टर नहीं है वो, बहुत ही गुड लुकिंग और चार्मिंग है। कॉलेज की ऑलमोस्ट हर लड़की उनकी फैन है। प्लेन कपड़े पहनते हैं लेकिन बहुत स्टाइलिश लगते हैं, थोड़ी चिड़किया है लेकिन क्यूट भी है, कभी कभी एकदम से उन्हें गुस्सा आ जाता है लेकिन फिर उतनी परवाह भी करते हैं और प्यार भी करते हैं, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, लेकिन अगर किसी को उनकी मदद की ज़रूरत हो तो उसकी मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, सबको मोटिवेट करते हैं। वो सिर्फ एक टीचर नहीं है, एक मूर्तिकार है जो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से तराश के उनका बेस्ट वर्जन बनाते हैं। उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, जो उन्हें जान लेता है ना बस उन्हीं का हो जाता है, एकदम नारियल की तरह, बाहर से एकदम सख्त और अंदर से उतने ही नरम, एकदम बच्चों जैसा दिल, कोई छल कोई कपट नहीं। ये दिखाएंगे आप एक बार प्लीज? श्योर मैम। आप इसे पैक कर देंगे? गुड चॉइस मैम। प्लीज मेरी बात सुनो ना, देखो ऐसा मत करो प्लीज। जाने पहचाने सी आवाज है। प्लीज मेरी बात सुनो ना, एक शिखा मैम, यही रुको। भाव रोकिए रोकिए रोकिए, ये लीजिए।